हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन की। उसका नाम है कोडाईकनाल। कोडाईकनाल जो है ये तमिलनाडु में है और ये एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। और मुझे इसकी यात्रा करने का अवसर मिला जो मैं अगस्त के महीने में गया था। और अगस्त के महीने में इसकी ब्यूटी बहुत ही देखने लायक थी। तो मैं आपको बिना कोई ज़्यादा वक्त गवाएं कोडाईकनाल के बारे में बताता हूँ कि कोडाईकनाल कितना खूबसूरत हिल स्टेशन है। बहुत दिनों पहले मैं ऊटी गया था, तो जब मैं ऊटी गया था तो मुझे जो है लगा कि मैं कोडाईकनाल भी घूम लूँ। लेकिन उस समय लोगों ने मुझे बताया कि कोडाईकनाल जो है ऊटी से भी ज़्यादा खूबसूरत है, बट समय के अभाव के कारण उस समय हम नहीं जा पाए थे। तो जब मुझे कोडाईकनाल जाने का मौका मिला तो मैंने जो प्रोग्राम बनाया था वो बनाया था कि 3 दिन मैं कोडाईकनाल रुकूँगा और 2 दिन वहाँ से फिर मैं मुन्नार जाऊँगा। लेकिन उस समय जो है मुन्नार में काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आ गई थी और फ्लड के चलते जो है वो मुन्नार के रास्ते बंद थे। कुछ लैंडस्लाइड के केसेस भी हो गए थे। तो फिर हमने अपना जो 5 दिन का प्रोग्राम था जिसमें कोडाईकनाल और मुन्नार कवर करना था, उसमें हमने खाली कोडाईकनाल में ही वो समय बिताया। तो 5 दिन का मेरा कोडाईकनाल का प्रोग्राम था, जो आप कह सकते थोड़ा लंबा था, लेकिन 5 दिन भी वहाँ के लिए कम है और बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। मैं तो यही सलाह करूंगा कि आप जब भी जाएं तो 5-6 दिन का प्रोग्राम कोडाईकनाल का बना के जाएं। तो जर्नी हमने अपनी स्टार्ट की थी पटना से, क्योंकि हम पटना में थे उस जब गए थे। और पटना से हमारी हमने फ़्लाइट ली थी चेन्नई की और चेन्नई से मदुरई की। और मदुरई से जो है कोडाईकनाल लगभग 100 किलोमीटर है। तो मदुरई से हमने कार हायर की जिसने करीब 2,500 रुपये इनफैक्ट चार्ज किया था। और उस कार से हम कोडाईकनाल पहुँच गए। कोडाईकनाल में भी हमने रेलवे का रेस्ट हाउस बुक किया था, जो कि बहुत ही खूबसूरत हिल पे था और जिसको बोलते हैं ग्रीन व्यू हिल। तो वो उसके एकदम नज़दीक था, तो जो हमारा रूम था वहाँ से बहुत ही खूबसूरत वैली का नज़ारा दिखता था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उस रेस्ट हाउस के बिल्कुल करीब में ही गोल्फ कोर्स था, जहाँ की खूबसूरत गोल्फ कोर्स के नज़ारे देखने को मिलते हैं। और वहाँ आप गोल्फ जो है खेल भी सकते हैं। मैंने गोल्फ का एंजॉय किया वहाँ। और उसके बाद जो हमारा डे वाइज प्रोग्राम था, तो जिस दिन हम मदुरई से पहुँचे कोडाईकनाल, उस दिन हमने रेस्ट किया और उसके बाद हम निकले शाम के घूमने के लिए। तो शाम में बेसिकली मैं जो है, चूँकि सुसाइड पॉइंट जिसको ग्रीन वैली व्यू पॉइंट भी बोलते हैं, एकदम जो है नज़दीक था रेस्ट हाउस से, तो वॉकिंग डिस्टेंस पर था, तो हमने सबसे पहले उसको कवर किया। वहाँ से वैली बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी और वही वैली हमें हमारे रेस्ट हाउस के रूम से भी दिखती थी, तो हम उसको दिन भर देखते रहते थे। तो उसके बाद गोल्फ कोर्स देखा और उसके बाद जो बैक्स म्यूजियम है वहाँ पर, जहाँ की मोम के स्टैचू हैं, वो देखा। और उसके बाद फिर हमने एक वहाँ पे कार्टून म्यूजियम भी है, जहाँ के बहुत सारे कार्टून करेक्टर्स हैं, जो कि बच्चों के कार्टून आप लोग देखते हैं, जो उसके जो कार्टून रहते हैं उसके लाइव वहाँ पर कार्टून करेक्टर्स उन्होंने उसके बनाए हुए हैं। और उनके साथ फ़ोटो खिंचाना काफ़ी ज़्यादा आनंददायक रहा, बहुत ही अच्छा था वो सफ़र। दूसरे दिन का प्रोग्राम हमारा था, तो हमने दूसरे दिन के प्रोग्राम में जो कवर किया, क्योंकि हमारे रेस्ट हाउस के आसपास ही 2-3 किलोमीटर के एरिया में कुछ स्पॉट्स थे, तो हमने उसको सोचा कि इसको बाय वॉक हम करेंगे। खूबसूरत नज़ारा था, बहुत अच्छी चारों तरफ रॉक फैला हुआ था, पैदल चलने में भी रोड पर बहुत मज़ा आ रहा था। तो सबसे पहले हम गए पिलर रॉक्स पर। पिलर रॉक्स एक स्पॉट है जहाँ से कि आपको वैली का नज़ारा बहुत अच्छा दिखाई देता है। और चार रॉक्स हैं उसमें, और वो जो है दिखाई देती हैं। जब धुंध नहीं होती है तो वो दिखती हैं। हमें बीच में देखने का मौका मिला, फिर धुंध छा गई, फिर नहीं देख पाए आगे। तो वो एक बहुत ही खूबसूरत, लेकिन वहाँ पे अच्छा लग रहा था, फ्लावर्स थे गार्डन में। उसके बाद डेविल किचन्स वहीं से बहुत नज़दीक था, वो हमने कवर अप किया। वो भी एक स्पॉट है जहाँ से आपको वैली का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखता है। पाइन फॉरेस्ट, जहाँ आपने देखा होगा जनरली फिल्म की शूटिंग्स होती है, लंबे लंबे पाइन के फॉरेस्ट लगे होते हैं, ट्री लगे होते हैं और घने ट्री लगे होते हैं पाइन्स के, और उसके बीच में आप जाके वहाँ पे फ़ोटो खिंचाना एक अपने आप में बहुत ही सुहावना एहसास देता है। और वहाँ पे हमने पाइन फॉरेस्ट में गए, वहाँ काफ़ी देर घूमे 1-2 घंटे और फ़ोटो खिंचाए डिफरेंट टाइप्स के। उसके बाद फिर वहाँ से हमने टैक्सी की और टैक्सी करके हम कोडाईकनाल जो लेक है बेसिक वहाँ पर आ गए। वहाँ पे बोटिंग होती है और बोटिंग जो है आप डिफरेंट टाइप की बोटिंग है जो आप कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने तो सिकारा वोटिंग जो अडॉप्ट करना चाहिए, लेकिन चूँकि वहाँ पे हवा चलती है तो सिकारा वो नहीं चलाते हैं, लेकिन आपको एक बोटमैन मिल जाता है और वो वाली जो बोट जो बोटमैन लेके चलता है चप्पू से, वो मिल जाती है। तो हमने वो बोट हायर की और उस बोट से पूरी कोडाई लेक का हमने नज़ारा चारों तरफ से देखा।
तो कोडई लेक में बोटिंग करने का अपना ही आनंद है। चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत नज़ारे दिखते हैं, बहुत बड़ी लेक है और आपको उसमें बोटिंग करने में बहुत ज़्यादा आनंद आएगा, ज़रूर करें। हमने 3 बार की थी अपने ड्यूरिंग कोडैकनाल के विजिट के 5 दिन के जो हमारा रुके उसमें। उसके बाद हम गए थे एक वहाँ पे कोडई लेक के बहुत ही नज़दीक एक ब्रायंट पार्क है। ब्रायंट पार्क भी बहुत खूबसूरत है, जहाँ की बहुत आपको डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स देखने को मिलेंगे और उसमें घूमने में भी आपको करीब करीब 1 से 2 घंटा लग जाता है, क्योंकि उसमें एक नर्सरी है जहाँ की आपको बहुत सारे पेड़ पौधे मिलेंगे और चारों तरफ फ्लावर्स ही फ्लावर्स हैं। तो आप बहुत खूबसूरत पार्क है, उसको ज़रूर घूमिए। शाम में फिर बाहर हम लोग आ गए, वहाँ पर हमने भुट्टे वुट्टे कुछ खाए, कुछ मोमो खाए, उस तरह की चीज़ें जो थी वो खाने का आनंद लिया। उसके बाद वहाँ साइकिलिंग बहुत अच्छी एक चीज़ है, आप साइकिल हायर कर सकते हैं, आपको 50 रुपये में मिल जाती है आधे घंटे के लिए और उस साइकिल से आप आराम से घूम सकते हैं। तो बहुत दिनों बाद साइकिलिंग, करीब 20-25 साल बाद साइकिलिंग वहाँ पर की और उसमें बहुत मज़ा आया। मैं तो जब साइकिल की तो मैंने सोचा कोडई लेक का मैं चक्कर पूरा लगा लेता हूँ, तो मैं साइकिल लेके चला गया। जब 2-3 किलोमीटर में चला गया तो पता लगा कि कोडई लेक का चक्कर तो करीब करीब 7 किलोमीटर का है। अब वहाँ से 3 किलोमीटर से वापस आने में भी 6 किलोमीटर होते, तो मैंने कहा चलिए मैं पूरा चक्कर ही लगाता हूँ। तो पहले दिन ही मैंने 7 किलोमीटर साइकिलिंग की और वापस आ गया मैं, बहुत मज़ा आया। फिर उसके बाद हमने सोचा कि साइकिलिंग हम जब भी यहाँ आएँगे कोडई लेक पर ज़रूर करेंगे। तो ये हमारा उस दिन कंप्लीट हुआ। उसके अगले दिन जो हमने प्रोग्राम बनाया वो था, हमने एक टैक्सी हायर की और टैक्सी हायर करके हम सबसे पहले गए मोयर पॉइंट। मोयर पॉइंट एक स्पॉट है जहाँ आपको से भी बहुत खूबसूरत नज़ारे दिखते हैं। और मोयर पॉइंट के बाद हम गए बेरिजम लेक। बेरिजम लेक एक बहुत ही खूबसूरत वहाँ पर लेक है, उसमें बोटिंग नहीं होती है बट इट इज़ वो काफ़ी खूबसूरत है, थोड़ी दूर है करीब 25-30 किलोमीटर। तो बेरिजम लेक का मैं गए वहाँ पर थोड़ा घूमे घामे। उसके बाद बियरसोला फॉल्स एक है, वो वाटरफॉल है, बहुत ही खूबसूरत है, उसको देखा। उसके बाद कोकर्स वॉक है जहाँ आप वॉक कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे वहाँ से दिखते हैं, उसका आनंद लिया। उसके बाद जो है वहाँ पर हम फिर से कोडई लेक पर आ गए और फिर से हमने उस दिन साइकिलिंग का और हॉर्स राइडिंग का भी आनंद लिया। उस दिन हमने घोड़ा भी हायर किया 100 रुपये में और घुड़सवारी की प्लस जो है साइकिलिंग की, करीब 4-5 किलोमीटर साइकिलिंग उस दिन भी की। उसके बाद ये हमारा day 3 हो गया। day 4 में हमने सोचा कि अब हम कहाँ ही बाहर जाते हैं, तो वहाँ से एक 50 किलोमीटर पर दूर पे एक बहुत ही खूबसूरत स्पॉट है जिसका नाम है मनावर, जिसको फिर बोलते हैं मनावर लेक। वहाँ पे एक वाटर लेक है और वाटर लेक में एक गोल वाली जो बोट्स होती हैं जो राउंड शेप में होती हैं वो चलती है वहाँ पर, तो उसमें बोटिंग की। उसमें बोटिंग करने में बहुत मज़ा आया। उसके बाद वहाँ पर एक ATV जो गाड़ी है तो उसको मैंने चलाया। ATV राइड में भी बहुत मज़ा आया, ATV राइड, और वहाँ पर इतना खूबसूरत नज़ारा था पहाड़ी पे, हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी उस दिन, तो ATV राइड का काफ़ी मज़ा आया। फिर वहाँ पे सी फॉर्म्स हैं जहाँ की भेड़े हैं, उनको देखा। एक रेबिट का जो है खरगोश का वो था, वहाँ पे पाले जाते हैं खरगोश, डिफरेंट वैरायटी के खरगोश थे, तो वो बहुत अच्छा था, वो भी हमने देखा, बहुत खूबसूरत था। उसमें बहुत सारे खरगोश थे, बहुत सारे भेड़ें थी, तो काफ़ी खूबसूरत जगह लगी। नेचुरल ब्यूटी थी चारों तरफ, हेल्थ थी, ग्रीनरी और बादल, बहुत खूबसूरत नज़ारा लग रहा था। और वहाँ पर कुछ खाने पीने की भी चीज़ स्टॉल, वो खाया पिया और कुछ जंगल टाइप का नज़ारा था वो देखा। थोड़ी देर लेक के किनारे बैठे, फ़ोटो वोटो लिए और उसके बाद फिर वो दिन हमारा वहाँ पर ख़त्म हुआ। एक रास्ते में उसने हमको एक ब्रिज का व्यू दिखाया था, जिसको कि बोलते हैं कोई एक ब्रिज है वहाँ पर, बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसमें ऊपर से व्यू उसका बहुत खूबसूरत दिखता है, वो भी एक टूरिस्ट स्पॉट है। तो रास्ते में आप टैक्सी वाले को बोलिए, वो आपको वहाँ रुकेगा, आप चाय वाय पीजिए और उस विलेज का भी जरूर देखिए, वो बहुत अच्छा होता है। फिर day 5 में हम लोगों का प्लान था कि अब बाकी बच्चे को स्पॉट देख लें, तो उस दिन हमने टैक्सी बुक की और उस दिन हमने छेतियार फॉल देखा। छेतियार फॉल बहुत ही बहुत ही खूबसूरत है और इस पार्क में जो है आपको डिफरेंट वैरायटी के फ्लावर्स मिलेंगे और आपको नीचे सीढ़ियों से जाते जाएंगे और बहुत ही खूबसूरत आपको पार्क का नज़ारा मिलेगा। हम गए थे तब बारिश शुरू हो गई थी, तो हमने बारिश में भीगते हुए इस पार्क को घूमा और लेकिन बहुत मज़ा आया, रियली इट्स वंडरफुल। उसके बाद एक टेम्पल था, उसमें भगवान के दर्शन किए, उसका नाम था कुछ कुंजी बरी अदवावार टेम्पल था कुछ, आई डोंट रिमेंबर व्हाट इज द नेम, एक्चुअली दैट इज साउथ इंडियन नेम, तो वो देखा। उसके बाद जो है हमें सिल्वर कैस्केड फॉल गए। सिल्वर कैस्केड फॉल बहुत खूबसूरत था,
उसमें जब पानी गिरता है पूरा आपको कैस्केडेड फॉर्म में गिरता है और सिल्वर कलर का उसमें लाइन वो होता है, तो आपको बिल्कुल उसमें चांदी जैसा वो पानी दिखता है, बहुत खूबसूरत लगता है। आप मेरा जो मैंने कोड़ी कनाल पे एक वीडियो डाला हुआ है जिसमें पिक्चर्स हैं मेरी बहुत सारी, उसको भी देख सकते हैं, वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप उसमें देख लीजिए, आपको फोटो ये सारे स्पॉट जो मैं आपको बता रहा हूँ आप उसमें मेरे फ़ोटो आप देख सकेंगे। उसके बाद जो है एक म्यूजियम था, बहुत खूबसूरत म्यूजियम था, उस म्यूजियम में हम घूमे, उसमें काफ़ी वहाँ की बताई गई थी हिस्ट्री और कुछ जानवर वगैरह थे वो देखे, और डॉल्फिन नोच था एक वो देखा। तो और उसके बाद कुछ शॉपिंग की हमने, हम वहीं कोडई जो लेक के किनारे आ गए वहाँ शॉपिंग वगैरह की, कुछ खाया पिया और घुड़सवारी और साइकिलिंग का फिर एज यूजुअल हमने आनंद लिया और वापस हम अपने रेस्ट हाउस में चले गए। तो इस तरह हमने अपने 5 दिन जो है वहाँ पर घूमा, और ये 5 दिन का प्रोग्राम आप लोग कर सकते हैं, बहुत अच्छा वेदर रहता है अगस्त में, आपको बहुत मज़ा आएगा और आप बहुत इन्जॉय करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कोडैकनाल से फिर वापस हमने वही किया था, मदुरई आए टैक्सी से और मदुरई से हमने फ़्लाइट ली चेन्नई के लिए, और फिर चेन्नई से हमारी फ़्लाइट जो पटना की थी वो चेन्नई से कलकत्ता आई और कलकत्ता से पटना आई। तो हमने एक ही दिन में ये 3 फ़्लाइट की थी। मॉर्निंग में हमारी फ़्लाइट थी मदुरई से जो है वो करीब 10 बजे, सो हम जो है मदुरई से 10 बजे थी, तो हम मॉर्निंग में हमने एक्चुअली एक काम और किया था जो मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं एक दिन पहले आ जाता हूँ एक्चुअली उस स्पॉट पर जहाँ से फ़्लाइट होती है। तो कोडई कनाल से हम जो मदुरई था वो एक दिन पहले आ गए थे, और उस दिन हम मदुरई रुके थे शाम में, और हमने मदुरई में मीनाक्षी टेम्पल के दर्शन किए थे और ऐसे ही आसपास का थोड़ा मार्केट घूमा था। मदुरई में हमने रेस्ट हाउस बुक किया था, तो उससे हमको सुविधा ये हुई कि हमारी मदुरई में जो फ़्लाइट थी वो हमारी सुबह थी 10 बजे, तो हम सुबह 8 बजे एयरपोर्ट पहुँचना था, तो हम मदुरई आराम से 8 बजे एयरपोर्ट पहुँच गए, 10 बजे हमने अपनी फ़्लाइट ली मदुरई से, और मदुरई से हमारी फ़्लाइट चेन्नई पहुँच गई करीब 12 बजे, 11:30 बजे। चेन्नई से हमारी फ़्लाइट थी 2 बजे, तो वहाँ पे हमको पर्याप्त स्पेस मिल टाइम मिल गया, 2 बजे हमने चेन्नई से फ़्लाइट ली, जिस 4 बजे हम कलकत्ता आ गए, और कलकत्ता से हमारी फ़्लाइट 6 बजे शाम की थी, और वहाँ से हमने 6 बजे शाम की फ़्लाइट ली और करीब 7:30 बजे हम पटना आ गए। तो ये हमारा पूरा उस दिन 3 फ्लाइट से हम कोडैकनाल से इनफैक्ट मदुरई से पटना आ गए। तो ये जर्नी थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। तो बस आज के लिए इतना ही, आगे फिर आपको जानकारी देते रहेंगे अच्छे अच्छे वीडियो के माध्यम से, यूँ ही जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।